हेलो बच्चों, आज हम एक चलाक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कालिया कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैं कहीं भूख से मर ही ना जाऊं। उड़ते उड़ते उसे अचानक एक पेड़ के पास पनीर का टुकड़ा गिरा पड़ा दिखा। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कालिया ने जल्दी से वो टुकड़ा उठाया और पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर के बैठ गया। शुक्र है भगवान का, कुछ तो खाने को मिला। अब तो मैं इसे धीरे धीरे पूरा आनंद लेते हुए खाऊंगा। वही पास में एक शालू लोमड़ी रहती थी, जो काफी समय से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कौवा अपनी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा लेकर बैठा है। पनीर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने वो पनीर कालिया कौवे से छीनना चाहा। वो पेड़ के पास गई और कालिया से बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो कालिया, मैंने तुमसे पहले कोई भी इतना सुंदर पक्षी नहीं देखा। तुम्हारी दोनों आंखें बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हारे पंख कितने शानदार हैं। कालिया अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और वो बातों में बहता ही चला गया। मुझे आशा है कि तुम्हारी आवाज भी इतनी ही खूबसूरत होगी जितने तुम हो। क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहती हूँ। कालिया कौवा अपनी झूठी तारीफ में इतना मग्न हो गया कि वो भूल ही गया कि उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। और जैसे ही कालिया ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने भाग के वो टुकड़ा उठाया और जल्दी से वहां से भाग गई। कालिया जोर जोर से रोने लगा। अरे यार, ये मैंने क्या किया, मैं अपनी झूठी तारीफों में इतना खो गया कि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया। और कालिया कौवा फिर से खाने की तलाश में उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर जीव को उसकी काबिलियत का पता होता है, पर कई बार लोग झूठी तारीफों में फंस कर अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। तो बच्चों, कभी भी चापलूसी करने वालों का विश्वास मत करो। तो बच्चों, हमारी अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।